और आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आधार यूपीआई की तरफ से एक बहुत ही बड़ा अपडेट है कि केनरा बैंक में ये फाइनली अपडेट दे दिया गया है कि आप आधार से यूपीआई पिन बना सकते हैं। अगर आपके पास केनरा बैंक का खाता है तो आप जो है भीम यूपीआई की मदद से 2.9.6 के वर्जन के साथ आप जो आधार के साथ यूपीआई पिन बना सकते हैं। तो और भी बैंकों के साथ जैसे कि धीरे धीरे लाइव यहाँ पर होते जा रहा है, जैसे कि आप फर्स्ट में आया था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद आया कॉस्मोस बैंक, उसके बाद आया केनरा बैंक। अब आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बीओआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी बैंक में ये धीरे धीरे आपको फीचर दिया जाता है। तो यहाँ पे सबसे अहम रोल है आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक होनी चाहिए। जब तक आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं होगा तब तक ये फैसिलिटी का आप लाभ नहीं ले सकते हैं। तो जो आपके खाते में मोबाइल नंबर लिंक है वही आधार में मोबाइल नंबर लिंक होनी चाहिए, जो आधार में मोबाइल नंबर लिंक है वही खाते में मोबाइल नंबर लिंक होनी चाहिए, तब ये सुविधा ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ, ये जो है 2.9.6 का ये जो भीम यूपीआई एप्लीकेशन का जो वर्जन है, अगर आप अभी प्ले स्टोर में जाएंगे, अगर आपके अपडेट आ चुके हैं तो आप अपडेट कर सकते हैं, नहीं तो ये अभी 2.9.5 वर्जन दिखा रहे हैं जिसमें यूपीआई नंबर जो अपडेट आया था पिछले बार वो दिखाया जा रहा है। अगर आप नहीं जानते हैं कि यूपीआई नंबर किस तरह से सेट किया जाता है, जो पिछले बार जो अपडेट आया था बहुत ही धमाकेदार या शानदार अपडेट था, सिर्फ यूपीआई नंबर से आप किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं, एट द रेट लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जैसे कि आप यूपीआई नंबर से पेमेंट करते हैं ना, जैसे कि नंबर डालते हैं उसके बाद @paytm, @sbi, वो डालने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप डायरेक्ट यूपीआई के जरिए पे कर सकते हैं। भीम यूपीआई में यह फैसिलिटी दिया गया है। उसी तरह से 2.9.6 का ये अपडेट आप अपने प्ले स्टोर से अपडेट कर सकते हैं। तो फाइनली अब धीरे धीरे देखा जाए तो भी बैंकों में ये फीचर आने लगे हैं, लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर बैंक है उसमें अभी ये फीचर नहीं आए, जैसे SBI, HDFC बैंक। तो आपको बहुत ही जल्द ये देखने को मिलेगा। जैसे ही कोई भी अपडेट आता है हम आपको ज़रूर बताएंगे इसी चैनल पर। फिलहाल ये तीन बैंकों में आ चुका है, केनरा बैंक और उसके बाद यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कॉस्मोस बैंक। तो इस तीनों बैंक में आ चुके हैं, आधार से UPI पिन बना सकते हैं आधार कार्ड के मदद से। तो फाइनली अगर आपके पास ये तीन बैंक हैं, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए क्या आपको ये ऑप्शन मिल रहे हैं बनाने का। तो और भी कोई अपडेट आता है इसके रिगार्डिंग हम आपको ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं किसी एक और नए शानदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।